तुम्हारा मतलब है कि वो फैसल को छुड़वाने के लिए गई है? सेठ हमको तो यही लग रहा है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसकी दोस्ती है उनसे और वह हमारे खिलाफ गई। उसको अंदाजा नहीं है कि उसका सामना भी सद्दाम खान के साथ है। सेठ उसका भी कुछ करना है क्या? ये सारी बातें तो हम लोग भी कर सकते थे, उसने तो सिर्फ बहस की है और वो हमारा वीडियो दिखाया है। अरे हम उसको धमकी थोड़ी दे सकता है कि उसको ये थोड़ी बोल सकता है कि तुमने काम ठीक से नहीं किया तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरे हमको लगा था कि वो कोई ऊपर से फ़ोन कराएगा और हमारा दोस्त छूट जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे दिलावर तुम समझा नहीं है, अभी मैडम ने सिर्फ बात किया है। दुनिया में सब कुछ नाहक नहीं होता है। अरे क्या होता है क्या नहीं होता है हमको सब पता है, हमको मत समझा, बस तू कोई काम धंधा कर, थाने कचहरी के चक्कर में अपनी उम्र जाया करेगा। बेफिक्र हो जाओ अब्बा, बहुत जल्दी कोई खुशखबरी मिलेगी। पता नहीं कब सुनाएगा, जब हम मर जाएगा तब। खुदा का वास्ता है ऐसा बातें अपना मुंह से ना निकाला करो। लेकिन सब कह रही थे वो हम घर गया तो नौशीन ने बोला कि तुमने खाना नहीं खाया होगा तो हम खाना लेके आ गया। शायद ऐसे टाइम पे भूख किसको लगता है। बोल तो ठीक रहा है लेकिन जो तुमने किया ही नहीं है क्या फायदा उसका तकलीफ खुद को देने का। अरे तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोग के लिए तो बड़ा परेशानी हो जाएगा। तुम अभी बूढ़ा भी हो गया है, क्या काम करेगा, गुजारा कैसे करेगा? अरे कुछ नहीं होएगा, तुम्हें सेहतमंद है माशाल्लाह, हम आज ही तुम्हारा सदका उतारेंगे। पता नहीं क्यों बैठे बैठे हमको ये ख्याल आ गया। ख्याल क्या आ गया, हमको अंदर से लगता है। जो मुझे पता है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। मेरी बहन का कत्ल हुआ और मैं जानता हूँ कि किसने कत्ल किया है, लेकिन आप हैं कि मुझे असल कातिल से हटा के किसी और तरफ भटका रहे हैं। इतने पैसे लिए आपने दूसरी पार्टी से? इंसाफ के लिए पैसे नहीं देने पड़ते सर, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। लगता तो नहीं है, कल फुरकान जमाल की बेटी आई थी, जरूर वो अपने साथ ब्रीफकेस भी लाई होगी, तभी आपने एफआईआर नहीं की। वैसे यार एक बात हमारा जहन में आया है, क्यों ना तुम जाके लड़की के भाई से बात करो, उसको समझाओ कि हम लोग ऐसा लोग नहीं है। अरे तुम्हारा ख्याल है उसको मालूम नहीं होगा कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक माल्लुक नहीं है? अरे पता नहीं, हो भी सकता है शायद। अरे वो बहुत चलाक आदमी है, उसी ने फंसाया होगा उसको, और हमको तो लगता है उसी ने अपने बहन को मरवाया है, बल्कि हमको तो पूरा यकीन है कि उसी ने मरवाया है। हाँ हेलो। अरे ये तो तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। अरे बस उसको रोक कर रखना, कुछ बोलना नहीं उसको, कहीं लफड़ा समझ के वो भाग ना जावे। ठीक है हम आ रहे। क्या हो गया, कैसा लफड़ा, तुम इन चक्करों से बाज नहीं आएगा? अरे अब्बा लफड़ा खत्म हो गया है, वो बंदा मिल गया है जो लड़की को लेकर गया था। कौन सा बंदा, तुम कहाँ भागा जा रहा है, हमको बता के जाओ, आजकल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे अम्मा वो टैक्सी वाला जो उस रात लड़की को लेकर गया था, हम लोग कब से उसकी तलाश में था, बस अम्मा वो लड़का फैसल के लिए गवाही देगा और हमारा दोस्त फैसल छूट जाएगा। हम इतने अरसे से ढूंढ रहा था उसको, बस अम्मा दुआ करो हमारा दोस्त फैसल के लिए। ठीक है अम्मा से इन्हीं लफड़ों के लिए दुआ कराना, खुद अपना लिए कोई काम नहीं करता है, ना माँ बाप के लिए काम करता है। अरे तुम भी इसकी बातों में आ जाता है, इसको कुछ बोलता नहीं है, सुबह सुबह कैसा बातें करता है, उसके मूड का ना सत्यानाश कर देता है। वो तुमको बोला ना कि एक महीना ठहरो, हमको टाइम दो, फिर पूरी जिंदगी मछलियां पकड़ता रहना उसके साथ समंदर। अरे यही तो हम बोल रहा हूं, हमारा मरने के बाद मछली पकड़े या हिरन, हमको क्या फर्क पड़ता है, माँ बाप तो औलाद का तरक्की उसकी जिंदगी में देखना चाहता है ना। ये हमको दिखाता है पुलिस का केस, फुटबॉल का मैच, गवाही का मसला। तुमको पता है ना कि उसका कोई भी मसला होता है वो हल कर लेता है। अब वो बोला है कि एक महीना हमको दे दो, अब तो हमको बताओ कि वो तुम्हारे साथ मछली पकड़ेगा तो कितना कमा लेगा।
नहीं कमाएगा ना हमारा गुजारा होएगा नहीं होएगा और ना ही तुम्हारा कर्जा उतरेगा। नाश्ता तो करो। अरे जहर कर दिया नाश्ता, नाश्ता करो। रुक 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 दादा, अरे वो देख, अरे ये तो वही है। अरे हम तो इसको आसमान में ढूंढ रहा था, ये तो जमीन पे मिल गया है। चल 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 दादा। अरे तू हमारा लाके गया है ना? जी भाई मैं पीछे ही रहता हूँ। अरे हाँ कुछ नहीं किया तूने, तुमसे बात करने आया हम, तेरे से बात करना हमको। भाई किधर भाई? अरे बात तो सुन हमारा। अरे क्या हो गया बात करने तेरे से? भाई देखो हमारा बात गौर से सुनो, बात जो है ना वो पुलिस तक पहुंच गया है और केस किसी और पे बन गए। अब तू मुंह खोलेगा तो हम अंदर जाएगा, अगर हम अंदर जाएगा तो तू जान से जाएगा। अब फैसला तू खुद कर ले, क्या करना? भाई आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। भाई आप बोलोगे ये इलाका छोड़ दो, मैं इलाका छोड़ दूंगा, मैं कभी आपको यहाँ पे नजर भी नहीं आऊंगा। अरे अरे पुलिस ने तुम्हारा गाड़ी का नंबर देख ही है और ढूंढ रहा है तेरे को। अरे वो ढूंढ लेगा तू कब तक चुपेगा? भाई आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगा, बस अल्लाह के वास्ते मुझे मारना मत। भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बट भाई वो यतीम हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। भाई अरे भाई मैं गरीब आदमी हूँ। अरे हम खुद तुझको बचाना चाहता है इसीलिए साइड पे ला के बात कर रहा हूँ, वरना कब का ठोकना दिया होता तेरे को। भाई आप जो बोलोगे मैं वो कहूंगा, जो पुलिस को बोलोगे आप मैं वो बयान दूंगा। उस्ताद पहले सेठ से पूछ लेते हैं वो क्या बोलता है, ये कानूनी मसला है, कहीं ये उलट पुलट बोल गया तो बच जाएंगे हम। ठीक बोलता है शाबू। शाबू भाई मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूं, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है भाई मेरे। अरे हमने तुमको बोला था सबूत मिल जाएगा। अरे बेगुनाह का साथ अल्लाह भी देता है। अरे पर अभी तो ताने चलते, ताने जाके पता चलेगा क्या बात है। ए, वो अगर निकल गया तो? अरे तुमको क्या लगता है वो हमको सब बता देगा और कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लेगा? लेकिन अगर हम ताने जाएं वो पीछे से निकल गया तो? अरे फिर भी ये पुलिस वाले का काम है, हमारा तोड़िए। पुलिस वाला तुम जाओ जाके पुलिस को बुलाओ, हमें उसके पास छोड़ दो, हम उस पर नजर रखेगा। हाँ ये तुम ठीक बोल रहे, बिल्कुल ऐसे ही करता है, कहीं भाग ना जाए वो। कब से हम यही बोले जा रहे हैं तुम्हें, चलो जल्दी। हाँ ठीक है हम पढ़ा देते हैं उसको। हाँ लेकिन एक बात और, पुलिस से पूछेगी कि तुमने टैक्सी कहाँ रोकी थी, तो इससे कहना कि एयरपोर्ट की साइड कोई ऐसा इलाका बताए जहाँ आबादी और रश कम हो, क्योंकि तो वहां फिर कैमरे नहीं होते। अरे साहब टैक्सी वाले को क्या पता होएगा उधर कैमरा है कि नहीं। जी उरूज की जिंदगी में ट्रेजडी हो गई थी ना इसीलिए, वरना वो भी दूसरी लड़कियों की तरह। सच बात तो यही है, मैं भी ये चाहती हूँ कि उरूज भी नॉर्मल हो जाए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि तो पढ़ाई में तो बहुत ही लायक है। अरे भाई मुझे इस चक्कर में नहीं डालो यार, मुझे दूर रखो इस मामले से यार, मुझे शामिल नहीं करो। देखो भाई हम लोग बहुत मजबूर है, हमारा दोस्त ना कत्ल के केस में फंस गया है, एक लड़की तुम्हारा गाड़ी में बैठ के गया उसका कत्ल हो गया, तुमको तो सारा कहानी पता है। नीचे रख आवाज। हाँ सेठ। अरे हम तुम्हारा बंदा तक पहुंच गया हूँ। अरे बोलो क्या बोलना है उसको, अरे तोते की तरह लटा देगा हम, सारा जिंदगी यही बोलता रहेगा।
वेरी गुड नादिर भाई, ये आपने बहुत अच्छा किया। देखो आप इसको समझाओ कि जब शानजा के साथ टैक्सी में जा रही थी तो फैसल का फोन आया। शानजा ने इससे कहा कि टैक्सी साइड में रोक लो, और जब इसने टैक्सी साइड में रोकी तो वहाँ फैसल आया और उसको अपने साथ बाइक पर बिठा कर ले गया। ये बात इसको अच्छी तरह याद करा दो। हाँ ठीक है, हम पढ़ा देते उसको। और हाँ, लेकिन एक बात और, पुलिस इसे पूछेगी कि तुमने टैक्सी कहाँ रोकी थी, तो इससे कहना कि एयरपोर्ट की साइड कोई ऐसा इलाका बताए जहाँ आबादी और रश कम हो, क्योंकि वहाँ फिर कैमरे नहीं होते। अरे साहब, वो टैक्सी वाले को क्या पता होएगा उधर कैमरा है कि नहीं। इनको सब पता होता है नादिर भाई, जाहिर सी बात है जब ये बताएगा कि जहाँ आबादी और रश कम है तो वहाँ कैमरे भी नहीं होंगे। और हाँ, इसको फैसल की तस्वीर भी दिखा दो, है ना तुम्हारे पास फोटो? अरे साहब, वो क्या बोलता है आजकल वो, हाँ वो फेसबुक। अरे वो शाबू उसको फेसबुक पे दिखा देगा ना। ठीक है, बस नादिर भाई ये काम जल्दी से कर लो, क्योंकि पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई होगी। समझो साहब, हो गए। हमारा बात बहुत सुनो, जैसा हम बोल रहा वैसा करना। तुमको पुलिस पकड़ेगा तुम उसको बोलेगा कि हम गाड़ी में जा रहा था, पैसल ने लड़की को फोन किया और हमको गाड़ी रोकने का बोला, हमने गाड़ी रोका, वो पैसल के साथ बाइक पे बैठ के चला गया, समझा? हाँ बोल। चाहिए चाहिए भाई चाहिए, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसे ही पुलिस को बयान दूंगा। मैं बोलूंगा कि उसके पास किसी फैसल नाम के लड़के का फोन आया था, वो उसके साथ बाइक पे बैठ के चली गई। भाई आप यकीन करो, ऐसे ही बोलूंगा भाई। और अगर कुछ भूला ना? भाई नहीं भाई, भाई 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 इसको याद कर लेना। भाई नहीं नहीं, वो जैसा वो लड़की तड़प रहा था ना टैक्सी में, याद है ना? और क्या बोला था तू? नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मेरा छोटा छोटा बच्चा है। नहीं भाई, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे भाई, भाई अल्लाह के वास्ते मैं वैसे ही करूंगा जो आप बोल रहे हो, वैसे ही करूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ भाई। चलो रे। उरूज बेटा, तैयार नहीं हुई अभी तक आप? नहीं दिल नहीं चाह रहा, हम फिर कभी चले जाएंगे। क्यों, आज क्या हुआ? और क्या गारंटी है आज दिल नहीं चाह रहा तो फिर चाहेगा? हम अभी जा रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। शाबाश। नहीं प्लीज। उरूज क्या हो गया बेटा, चलो रेडी हो जल्दी। मेरी तो शर्ट भी प्रेस नहीं है। अब ये भी कोई बहाना हुआ? शर्ट प्रेस नहीं है, कौन सी करनी है मुझे बताओ। तुम जब तक शावर ले लो, मैं तुम्हारे रूम से शर्ट लेके इस्त्री कर देती हूँ। चलो उठो, शाबाश, उठ जाओ, उठो चलो। कल देखा बच्चा हुआ पुलिस के चक्कर में नहीं पड़े वरना निकल जाता। इसको पकड़ो, इसको रोको। हमको आपसे कुछ बात करना है। जी बोले। देखो, तुम्हारा गाड़ी में एक लड़की का कत्ल हुआ है। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हटाओ ये अपनी बाइक, हटाओ यहाँ से, ये जाने दो। हम तुम्हारे रास्ते से नहीं हट सकता है। देखो, हमारा दोस्त थाने में बंद है और हमें तुम्हारी गवाही का जरूरत है। अरे भाई मुझे इस चक्कर में नहीं डालो यार, मुझे दूर रखो इस मामले से यार, मुझे शामिल नहीं करो। देखो भाई, हम लोग बहुत मजबूर है, हमारा दोस्त नाक कत्ल के केस में फंस गया है, एक लड़की तुम्हारा गाड़ी में बैठ के गया, उसका कत्ल हो गया, तुमको तो सारा कहानी पता है। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसमें शामिल नहीं करो यार, खुदा को मानो। अरे शामिल कैसे नहीं करें, तू ही तो एक अकेला गवाह है इस कत्ल का। ओ भाई मैं नहीं हूँ गवाह, मुझे गवाह मत बनाओ, मुझे दूर रखो इस केस से, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। ओ भाई, अभी हम तुमसे बहुत आराम से बात कर रहा है। देखो यार, खुदा का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
मुझे इस मामले में मत घसीटो, वो बेचारे बेआसरा हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे भाई, अल्लाह के वास्ते यार। अरे अगर किसी ने तुमको धमकी दिया है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। हम रुको, अभी पुलिस को फोन करते हैं। तुम लगाओ फोन। हेलो, तुम फोन लगाओ। नहीं करो, मेरे साथ ज्यादती नहीं करो, छोड़ो मुझे। अली लगाओ फोन। इंस्पेक्टर साहब, ये बंदा मिल गया, गाड़ी भी मिल गई है। लॉज का आता है, तुम नहीं छोड़ सकते। मेरे को मुझको यार, अरे तुम दो घड़े गाड़ी दो इधर की बदमाशी, कुछ नहीं हो रहा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ भाई, कौन है? दादा ये वही है जिसका हमको तलाश था। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाचा चाचा, अल्लाह के वास्ते मुझे इन लोगों से बचाओ। चाचा ये लोग मेरे साथ ना हक कर रहे हैं। चाचा मैं कसूरवार नहीं हूँ। चाचा मुझे इनसे बचाओ अल्लाह के वास्ते। चाचा अरे नहीं चाचा, इसको छोड़ दिया हमने तो पैसल अंदर ही रहेगा फिर। अरे दादा, पैसल इसकी वजह से ही अंदर फंसा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है पैसल ने मारा है? नहीं दादा, पैसल ने नहीं मारा, इतने मारा है, यही है। देखो बच्चा, तुम माँ का साथ दो, अल्लाह तुमको कुछ नहीं होने देगा। अभी तुम इन दोनों का साथ दो, बात सुनो, तुम इसको लेकर जाओ उधर, हम उधर पहुंचते हैं। हाँ चाचा, आप जाओ अभी, पुलिस आ रहे हैं, थाने लेके जा रहे हैं। पुलिस आ रहा है इधर, लड़ी बैठो इधर, तुम नहीं जा सकता है। करता है दोबारा, अरे दोबारा फोन लगाओ। आ रहा है चाचा, आ रहा है, इसको लेके आ रहे हैं हम। हाँ पुलिस का इंतजार कर रहे हैं हम। कहीं जा रहे हैं आप? जी हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। हमसे मुराद आप और अयाज भाई? नहीं, मैं और अरुज। अरुज? लेकिन अरुज को तो शॉपिंग पर जाना पसंद ही नहीं है। हाँ अलबत्ता मेरी बच्चियों को तो मार्केट जाना बहुत पसंद है, और वो तो बहाना भी तलाश कर लेती हैं। जी उरूज की ज़िंदगी में ट्रेजडी हो गई थी ना, इसीलिए, वरना वो भी दूसरी लड़कियों की तरह। सच बात तो यही है, मैं भी ये चाहती हूँ कि उरूज भी नॉर्मल हो जाए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि तो पढ़ाई में तो बहुत ही लायक है। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो तन्हाई का शिकार हो गई है, इसीलिए खामोश रहती है। वैसे भी देखा जाए तो बेटी के नज़दीक ना माँ का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके साथ वो अपनी तमाम बातें शेयर कर सकती है। जी ठीक कह रही हैं आप। अच्छा तो भाई साहब भी साथ जा रहे हैं आपके? नहीं, हम दोनों अकेले जा रहे हैं। अच्छा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि खुशखबरी की बात है। क्या हुआ था सर? सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। सर मैं अपनी बीवी बच्चों की रोजी कमाने के लिए टैक्सी चलाता हूँ सर। सर प्लीज़ मुझे इस केस से दूर रखें सर। देखो तुम पे कोई केस नहीं हो रहा, तुम मौके के गवाह हो, और जो सच देखा है वो बता दो और चले जाओ। और हाँ कभी कोर्ट में तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो आके अपना बयान रिकॉर्ड करा देना। सर वो सर जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात? और हाँ ये बताओ कि उस लड़की को तुमने कहां से उठाया था? सर वो लियारी के स्टॉप से बैठी थी सर। और फिर उसको कहां छोड़ा तुमने? सर वो रास्ते में ना सर उसको कॉल आई, उसने मुझसे कहा कि गाड़ी साइड पे कर दो, रोक दो। मैंने गाड़ी रोक दी सर। एक लड़का आया। किस चीज पर? सर वो लड़का आया बाइक पर और उस लड़की को बिठा कर ले गया सर। सर इसके बाद क्या हुआ सर? सर यकीन जाने मुझे कुछ नहीं पता सर। तू जो कह रहा है वो सच है? सर 100% सच है सर। सर यकीन माने बिल्कुल एक एक लफ्ज सच है इसमें सर। अरे साहब आप कैसे यकीन कर रहे हो उसके ऊपर? छोड़ दे। अरे ये तो झूठ बोल रहा है। मुझे तुम ऐसा करो कि इनका टेलीफोन नंबर, इनका एड्रेस, वो सारा कुछ लिख के, और जब इनका बयान रिकॉर्ड करवाना इनको बता देना कब आना है इन्होंने। ठीक है, लिखे जाओ इनको। आप देख लेना, आप बड़ी मुश्किल से ढूंढा था हमने इसको, आप जाने दे रहे हो? अब अगर तुम बोलो तो मैं इसकी FIR काट दूं? साहब देख लो, हो सकता है तो आपको लग रहा है कि ये भी गलत बयानी से काम ले रहा है?
सारे गवाह, हर चीज झूठी है और तुम दोनों सच्चे हो। निकल जाओ यहां से। कहता है वो लड़की तुम्हारे साथ गया था। अरे लेकिन ये सब झूठ है परेब है, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे खिलाफ साजिश हो रहा है। अरे जब वो तुम्हारे घर के बाहर लाश फेंक सकता है तो ऐसा क्यों नहीं करेगा? और देखना, कुछ अरसे बाद ना यही उनकी शिकायतें लगाकर उसको बेइज्जत करवाया करेंगी। वैसे उरूज अगर शादी कर ले तो उसे ये दिन कम अज कम देखने नहीं पड़ेंगे। हाँ लेकिन कोई उससे शादी करे भी तो सोचती तो यार इस बार बड़ा मसला हो गया है। हमको नहीं लगता कि हम लोग भी फैसल की कोई मदद कर सकेंगे। अरे कैसे नहीं कर सकते, हम अदालत से रुजू करेगा, उसका जमानत करवाएगा, ये कोई इतना बड़ा बात थोड़ी है। अरे तुम क्या बात करते है, तुमको ये बड़ा बात नहीं लगता? ये तुम्हारा बच्चा लोग पढ़ने के वास्ते आता है या फिर ये जासूसी करता है? माँ बच्चा लोग गली में खेलता है, आते जाते लोगों को देखता है तो पता चलता है। हमको एक बात समझ नहीं आता है कि ये उसका बाईस से मिलने क्यों आते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे हम लोग क्या बोले, हमारा फेवर में कुछ भी नहीं जा रहा है। क्या बोले सच्चू ना? SHO को छोड़ो, अभी तो वो टैक्सी वाला तुम्हारे खिलाफ बयान देके गया। बयान? अरे कैसा बयान? वो कहता है वो लड़की तुम्हारे साथ गया था। अरे लेकिन ये सब झूठ है परेब है, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे खिलाफ साजिश हो रहा है। अरे जब वो तुम्हारे घर के बाहर लाश फेंक सकता है तो ऐसा क्यों नहीं करेगा? अरे हमको इतना बड़ा साजिश में फंसाया जा रहा है। अरे उसका जवाब तुमको पता है, वही उसका भाई, और कौन होगा? हाँ, अम्मा और दादा का ख्याल रखो तुम लोग। परेशान ना हो, हम करता है कुछ। क्या हो गया है, हमको ये किस गलती का सजा मिल रहा है? लो जी तुम्हारी चाय आ गई। मैडम शॉपिंग पे गई हैं आज। क्या शॉपिंग? हाँ मुझे लगता है यही तुम्हारे शायद को फंसा लेगी। हाँ फंस करो, फंसी ना जाए शॉपिंग पे शाहिद। वैसे वो उसमें इंटरेस्टेड है और मैंने तुम्हें बताया था, उस दिन पूछ रही थी उसका। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, सब पता है। वो जो उसके अब्बा की बीवी है ना, नई नवेली दुल्हन, वो अपने मियाँ पे इम्प्रेशन डाल रही होंगी। तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखती हूँ मैं, और देखना कुछ अरसे बाद ना यही उनकी शिकायतें लगाकर उसको बेइज्जत करवाया करेंगी। वैसे उरूज अगर शादी कर ले तो उसे ये दिन कम अज कम देखने नहीं पड़ेंगे। हाँ लेकिन कोई उससे शादी करे भी तो सोचती तो वो ज़रूर होगी कि उसका रिश्ता आ जाए और उसकी शादी हो जाए। यार वो तो हर लड़की सोचती है। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि वो हर वक्त चुपचाप बैठकर क्या सोचती रहती है। ये आंटी के मरने के बाद ऐसी हुई है ना? नहीं शुरू से ही ऐसी है वो, बचपन से ही। वो अंकल का रवैया नहीं ठीक था ना आंटी के साथ, मुझे लगता है शायद इसलिए डिस्टर्ब रहती है। हाँ हो सकता है, क्योंकि माँ बाप के रवैयों का बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन यार कुछ लोगों की ना रूहें ही सड़ी हुई होती है। तो मैं उसे आज बताऊँगी कि तुम्हारी रूह सड़ी हुई है।
दिखा के वो और सड़ जाए। यार इस बार बड़ा मसला हो गया है, हमको नहीं लगता कि हम लोग भी फैसल की कोई मदद कर सकेंगे। अरे कैसे नहीं कर सकते, हम अदालत से रुजू करेगा, उसका जमानत करवाएगा, ये कोई इतना बड़ा बात थोड़ी है। अरे तुम क्या बात करता है, तुमको ये बड़ा बात नहीं लगता? कत्ल का केस है, इतनी आराम से बेल नहीं मिलता है। काम करते हैं हम, आलिया मैडम के पास चलते अभी। क्या तुम समझता नहीं है, ये बड़ा लोग सिर्फ हम लोगों को खुश करता है, काम ये सिर्फ अपने जैसे लोगों के आता है, हम जैसे लोगों को तो बस मीडिया पे ला के थोड़ा बहुत फेवर दे देता है और कुछ नहीं। अरे आलिया मैडम ऐसा थोड़ी है, हमारा बड़ा इज्जत करता है वो, और फैसल को अपना दोस्त समझता है। तुम क्या बात करता है, अगर वो फैसल का दोस्त होता तो इतनी आराम से बैठता, जब से पैसा लॉकअप में गया है हम लोगों को कोई चैन मिला है, और उसको देखो कितना सुकून से बैठा हुआ है, वो कोई दोस्त मोस्त नहीं है वो। अरे तो फिर क्या करे, उसके भाई के पास चले, उससे बात करे कि हमको माफ कर दे वो। अरे हम लोगों ने कौन सा गलती किया है? अरे यही कि उसको उसकी बहन से हमने मिलने नहीं दिया, वरना हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, उसने पक्का काम किया है, ड्राइवर को या तो पैसा दिया है या फिर धमकी। अरे धमकी का चांस हमको ज्यादा लग रहा है, तो बहुत परेशान था वो, उसका हालत देखा नहीं कैसा रोने वाला हो रहा था, और हमको कह रहा था कि हमको इस केस में इससे दूर रखो, हमको तो इसका एक ही मतलब समझ में आता है कि वो मजबूर है, हमारे खिलाफ बोलेगा। अरे हाँ तो और क्या, उसका लहजा उसके बातों का साथ बात थोड़ी दे रहा था, तुमने गौर नहीं किया उसको? शक तो पुलिस वालों को भी हुआ था, जभी तो उन्होंने दोबारा रजू किया उससे। हम लोगों को भी लगता है पुलिस से सिफारिश लगवाना पड़ेगा। हम कल कोर्ट चलता है, वकील से मशवरा वगैरह करता है, ऐसे बैठा रहेगा तो क्या होगा। अरे आलिया मैडम का कॉल आ रहा है, उठाओ उठाओ। हेलो शाहिद, क्या हुआ, क्या बना, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे मैडम को कुछ बना ही नहीं, हम सोच रहे कल कोर्ट चला जाएगा, उसका जमानत करवाएगा, वकील से बात करेगा, आप बताओ क्या करें। ठीक है, ये काम करो, कल मेरे ऑफिस आ जाओ। हाँ मैंने लॉयर को बुलाया है, तो अच्छा लॉयर के सामने ही बात हो जाएगी। अरे अच्छा आम आ जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है, आम ने दिखा हुआ है ना। अरे हमने कहा था ना तुमको, मैडम बहुत अच्छा है, कल वकील बुलाया हुआ अपने ऑफिस में, बोल रहे तुम लोग कल ऑफिस आ जाओ। अरे तो बहुत अच्छा बात हो गया, आना अब कल चलेगा हम सुबह सुबह। अम्मा, हमको लगता है तुम ठीक बोल रहा था, इस कत्ल के बारे में ना नादिर भाई को सब पता है। तुम कैसे बोल सकते हैं? वो उस लड़की का जो भाई है ना, जो उस लड़की के बारे में पूछने आता था, तुमको पता है पहले तो वो नादिर भाई से मिलता था, लेकिन अब तो वो नादिर भाई से बहुत मिलता है, बल्कि लड़का लोग बताता है कि अब वो तो मिलने ही सिर्फ नादिर भाई से आता है। ये तुम्हारा बच्चा लोग पढ़ने के वास्ते आता है या फिर ये जासूसी करता है? माँ बच्चा लोगे गली में खेलता है, आते जाते लोगों को देखता है तो पता चलता है। हमको एक बात समझ नहीं आता है कि ये उसका भाई से मिलने क्यों आते है। ये बात तो हम सोच रहा हूँ कि पहले तो चलो वो नादिर भाई से मिलता था, लेकिन अब वो नादिर भाई से क्यों मिलता है, ऐसा क्या बात करता होएगा, इतना बड़ा गाड़ी में आता है तो नादिर भाई से ऐसा क्या काम होएगा, हमको तो जरूर कोई चक्कर लगता है। हाँ तो चक्कर तो है ना, हमारा दिल नहीं मानता कि कत्ल फैसल ने किया है,
ये सब उसको पसाता है। माँ हमको भी ऐसा ही लगता है, हमको तो लगता है कि ये सब ना उसके भाई का साजिश है। तो मरना जरूरी है क्या? नहीं, हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे हम जी भी नहीं सकता है। अब भाई हिम्मत करो, हिम्मत किसी को बोलो, अदालत जाओ तो कुछ बनेगा। हो सकता है हम गरीबों के लिए भी कोई कानून होएगा। मुझे लगता है कि फैसल उस बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करता है। साहब हमको ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर लगता है कि कोई चक्कर है। ऐसे लोगों को तो वो मुंह भी ना लगाए। अच्छा फिर अब क्या होएगा, और वो हमारा गाड़ी का क्या हुआ? तुम काना नहीं खाया अभी तक? आपको भूख नहीं है, ले जाओ उसको। तुम दो चार दिन से काना नहीं खाया है, ऐसे तो तुम भूख से मर जाएगा और सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। अरे सबको पता है कि हम अपना फैसल के बगैर नहीं रह सकता है, इसलिए तेरा सर पे इल्जाम नहीं आएगा। सब समझ जाएगा कि हम अपने बेटे का बगैर नहीं रह सका, इसलिए मर गए हैं। अब तो मरना जरूरी है क्या? नहीं, हम मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे हम जी भी नहीं सकता है। अब भाई हिम्मत करो, हिम्मत किसी को बोलो, अदालत जाओ तो कुछ बनेगा। हो सकता है हम गरीबों के लिए भी कोई कानून होएगा। अरे यहाँ सब पैसे वालों का खेल है, इधर ताकत वालों का कानून है। हमको बैठ के सारा दिन घर में कानून समझाता है, अभी कुछ करेगा तो होएगा ना। अब मिला है फैसल का दोस्त से, कर रहा है वो कोशिश। वो कोशिश करेगा, वो उसका दोस्त है, तेरी तरह दादा नहीं है वो। थोड़े दिन हमदर्दी करेगा, उसके बाद कल्टी हो जाएगा, फिर कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा। अरे हमको मालूम है, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। वो तो सबका ही होता है, तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तुमने इतना बच्चा लोगों को पढ़ाया लिखाया, कोई तो तुम्हारा शागिर्द होगा, कोई तो अफसर बना होगा, उससे बात करो जाके। अरे हमको कल मिलेगा पेंशन, फिर हम जाएंगे कोर्ट। दो तीन लोग है हमारा शागिर्द, वो वकील है उधर, हम बात करेंगे उससे। बात करें मेरा बच्चे, ये ले जाओ मेरा बच्चे, हम नहीं खाएंगा, हमको भूख नहीं है। थोड़ा खा लो। नहीं खाएंगा, बोला नहीं खाएंगा तो नहीं खाएंगा, हमको भूख नहीं है, फैसल के साथ खाएंगा। ये तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया नादिर भाई, ये हम दोनों के हक के लिए बहुत बेहतर है। अब फैसल फंसेगा और वो आलिया जमाल भी। आलिया जमाल? अच्छा अच्छा, अरे वो मैडम, अरे उसको क्यों फंसा रहा है? क्योंकि उसने हमको फंसा लिया है। अदर भाई ये फंसना फंसाना सिर्फ कोर्ट कचहरी और थाना नहीं होता, कभी कभी कोई अपने हुस्न के जाल में भी फंसा लेता है, और मुझे लगता है कि वो मैडम इस काम में बहुत माहिर है। अब समझा कि तेरा दिल आ गया उस पे। अरे हमको तो लगता है कि उसका दिल पैसल पे भी आया हुआ है। अरे जब भी तो उसका घर गया था और उसको चुड़ाने भी आया था।
नहीं, उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि आलिया जमाल का एक क्लब है, बॉक्सिंग क्लब। मुझे लगता है कि फैसल उस बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करता है। अरे इतना तो हमको नहीं मालूम, पर ऐसा लगता है कि कोई चक्कर जरूर है। ऐसे लोगों को तो वो मुंह भी ना लगाए। अच्छा फिर अब क्या होएगा, और वो हमारा गाड़ी का क्या हुआ? यार नादिर भाई, ये बार बार गाड़ी का मत कहा करो, मैंने तुम्हें अंदर होने से बचाया, इसको मेरा एहसान समझो। देखो साहब, हम भी तुमको बता रहा हूँ, ये एहसान तुमने हम पर नहीं खुद पे किया है। अगर हमको अंदर कराने का शौक है ना, तो अभी बोलो, हम जाके थाना में सब बोल देता हूँ। तो समझा नहीं नादिर भाई, यार ये ब्लैकमेलिंग छोड़ दो गाड़ी वाली। देख साहब, हम तुम्हारा काम किया हूँ, और ये भी याद रखे कि तुम्हारा कहने पे किया हूँ, वरना हमारा क्या दुश्मनी था उस लड़की से। अरे बहुत डरावना ख्वाब था, ऐसा ख्वाब हमने कभी नहीं देखा। अरे ख्वाब तो ख्वाब होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है। अरे तुमको पता है हमने क्या देखा? हमारा बाप किश्ती खींच रहा है गहरे पानी में, किश्ती डूब रहा है। हमारा बाप बोल रहा है आने दो, फिकर नहीं करो। अरे तुमको अब्बा को समझाना था ना कि ये सारा ख्वाब सच्चा थोड़ी होता है। अरे हम अब्बा को क्या समझावे, फिर भी हमने उसको बोला कि परेशान मत हो, पर सच पूछो तो हम भी बहुत परेशान हो गया है। फिर लाश घर के करीब से क्यों मिली? कोई इतना बेवकूफ होएगा कि कत्ल करने के बाद लाश को अपना घर का पास रखे ताकि शक उस पर ही जावे? हा? बात तो ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई साजिश है? समझते नहीं है हम, हकीकत यही है। मैं आप लोगों की परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। एक्चुअली मैंने वकील को बुलाया है फोन करके, वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैडम वो टैक्सी वाला फैसल के खिलाफ ही गवाही दे गया, साफ साफ झूठ बोल रहा था। अरे तुम परेशान नहीं हो, अरे ये जिंदगी है, इसमें इल्जाम भी लगते हैं। अरे हम तो नहीं लिखता है तकदीर कि तकदीर में सारा अच्छा अच्छा लिख देवे, अब तकदीर में बुरा भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर तकदीर में अच्छा वक्त भी आता है। हाँ कल मंदी तो इसी में, वरना केस लड़ेगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और जमानत में भी टाइम लगेगा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि फैसल को इसके बाद सजा हो जाए। अरे इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि सुलह हो जाए और जान छूट जाए। डैडी ने निकाह किया है उनसे, तो वो अब मेरी मामा ही हुई ना। हाँ शॉपिंग करवा रही हैं तो मामा कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, मैं इसलिए मामा नहीं बोल रही। चलो जिस लिए भी बोल रही हो, लेकिन तुम ये सब पहन कर आखिर जाओगी कहाँ? आप अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? देखिए अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तमाम एक्सपेक्ट्स पे गौर करती कि क्या सूरत हाल है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और अगर उसके बाद भी कातिल फैसल ही होता तो? कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। करना दिखेंगे, जीतेंगे हम
दूसरे को कांप लिया।